भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद की 117वीं पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गुरुवार को छात्र संघ चौराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े की मौजूदगी में भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चौराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर बताया कि हमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को निधन हो गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद न सिर्फ भारत के उत्थान के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। स्वामी विवेकानंद का जीवन बड़ा ही संघर्षमयी था। मात्र 25 साल की उम्र में अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दिया और सन्यासी बन गए। स्वामी विवेकानंद जीवन भर सन्यासी रहे और अपनी आखिरी सांस तक वह समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। स्वामी विवेकानंद की कही बातें दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती हैं। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रितेश सिंह, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सह संयोजक रणविजय शाही सहित बड़ी संख्या में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उधर देखिए आ रहा, उधर देखिए, उधर देखिए ना, स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमारे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें पुष्पांजलि के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। स्वामी विवेकानंद दुनिया में जब गुलामी का कालखंड था उस समय भी वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत को उस समय भी आध्यात्मिक जगत में, दुनिया में भारत को के मस्तक को ऊंचा उठाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने गुलामी के कालखंड में किया था। और जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हमारे देश के अंदर, चाहे भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब क्रांतिकारी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ करके उनके आदर्श, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के कार्य किया था। आज भी स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए उतने ही प्रेरणाप्रद हैं जो पहले भी रहे हैं। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है।